guys, so me and Lily, we are going to state some facts yahan pe, especially to all the Muslim extremists out there. Oh, maine Muslim extremists ka naam liya aur ye dekho, ye bhi aise bechare khauf mein aa gaye. You know, Quran mein ye kahin pe bhi nahi likha hai ki aap ek aurat ko forcibly parda karao. TV actress Urfi Javed, who has worked in many giant shows like Bepanah, Namkaran, Mere Bade Bhaiya Ki Dulhaniya and Meri Durga, has always been very vocal about religion and cultures. Now the actress posted a video which irked a particular community. In the video, she reminded Muslim men to follow the religion and gave a befitting reply to all those who questioned her dressing sense. Take a look. And Lily, we are going to state some facts yahan pe, especially to all the Muslim extremists out there. Oh, maine Muslim extremists ka naam liya aur ye dekho, ye bhi aise bechare khauf mein aa gaye. Yeah, so all the Muslim extremists who keep on commenting on my picture ki main to Islam ke naam pe dhabba hoon, main to Musliman ke naam pe ye hoon, wo hoon, mere khilaf fatwa jari kar dena chahiye, mere kapde ye nahi, mere kapde wo nahi, blah blah blah. You know, Quran mein ye kahin pe bhi nahi likha hai ki aap ek aurat ko forcibly parda karao. ये जरूर लिखा है कि हाँ, एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करी तो जबरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए. ये नहीं लिखा है यार, अब जाके फिर से कुरान पढ़ो. हाँ, बट ये जरूर लिखा है, सॉरी मैं एक बॉम्ब ड्रॉप करने जा रही हूँ सारे मर्दों के लिए, ये जरूर लिखा है कि मर्दों को नजरों का पर्दा करना जरूरी है. मतलब कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नजरिए से देख ही नहीं सकता है. आई एम सो सॉरी. तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आके लड़कियों को देखते हैं और देखते भी हैं, फिर उनकी पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं, वो हराम है. आप नहीं कर सकते हो ये सब. आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने. बहुत गलत कर रहे हो आप. और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो अप्रेस थी. इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड हैं क्योंकि उस टाइम पर जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्रीली रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे. तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई. बट कट्टू 1500 साल बाद देखे मैं, डू आई लुक लाइक सम ऑप्रेस्ड मुस्लिम वुमेन? नो, आई एम नॉट एन ऑप्रेस्ड मुस्लिम वुमेन. आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर हेल्प, एंड सो Also, I'm not asking for your advices. Stop advising me what to do with my body, how to dress myself, and blah 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 blah. And ek aur cheez, just because I sin differently than you doesn't mean you're less of a sinner. I mean, kitni aisi Islam mein cheeze likhi hain jo aap khud follow nahi karte ho, par ek ladki ko hidayat dete ho ki aise nahi waise kapde pehno. Aap kya karte ho, huh? You guys know, right? Islam mein premarital sex haram hai, but you do this. और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? आई डोंट थिंक सो. मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा. अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता आपको. सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट आउट देयर, मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप करना चाहूंगी कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ. आई नो, शिट, मुसलमान के नाम पे धब्बा. अरे बट I don't believe in religions. I don't believe in religions. I just, I'm more like a spiritual person and that's my personal choice. और अल्लाह भी एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ करो वो दिल से करो. अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो ना 5 वक्त की नमाज या जो कुछ भी, आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी. मतलब उससे बेटर है कि आप जाके किसी इंसान की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प करो, किसी मजलूम आदमी की हेल्प करो, और औरतों को उस नज़रिए से देखना बंद करो, तब जाके फिर भी कुछ हो सकता है, तब आप एक सच्चे मुसलमान कहलाओगे. ऐसा तो नहीं. Soon after the video, people started trolling her, though this is not the first time when Urfi raised her voice against those who teach her society norms. News Desk.